और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 45.62% मतदान हुआ है। नैनीताल में 49.94% मतदान हुआ है। वहीं हरिद्वार में 49.62% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे 45.62% मतदान हुआ है। नैनीताल की बात करें तो 49.94% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा की तरफ घूमे तो 48.43% मतदान हुआ है और टिहरी में 43.61% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक गढ़वाल में 44.5% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है और 3 बजे तक 45.62% वोटिंग हुई है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता नसीम अहमद उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। नसीम, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी शालिनी, बताइए। कैसा चल रहा है वहाँ, लोगों का उत्साह कैसा दिख रहा है नसीम आपको? बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में, जिसको लेके सुबह के समय तो काफी लोगों में काफी बड़ा उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह कम नजर होते जा रहा है। और अभी 3 बजे तक की अगर हम बात करें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में, तो 38.6% ही मतदान हो पाया है और आगे संभावना प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि लोग चाह रहे थे किसी तरह से कोई भी नया कैंडिडेट यहाँ पे आए, लेकिन दोनों में से किसी पार्टी ने नया कैंडिडेट नहीं दिया। जी नसीम, 100% मतदान हो इसके लिए सरकार ने कई जागरूकता कार्यक्रम करवाए हैं, तो इस समय युवाओं का जोश आपको कैसा दिख रहा है? क्या युवा उत्साहित है मतदान के लिए? प्रदेश सरकार हो या जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार निर्वाचन की ओर से 100% मतदान को लेकर काफी लंबे समय से प्रचार किया जा रहा था, ताकि लगातार वो पर मतदान का प्रतिशत बढ़ सके और लोग मतदान में हिस्सेदारी ले, लेकिन बहुत ज्यादा उसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा। जी जी, इस समय तो चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि कई प्रतिशत लोग मतदान करने आए हैं यहाँ पर, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म होने की वजह से पहाड़ों का मौसम, उधर की इतना गर्म नहीं होता था लेकिन गर्म है। पर लेकिन पिछले 5 साल पहले की अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तो उस चुनाव प्रतिशत से भी कम मतदान होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी तक मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा ज्यादा। जी जी नसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संवाददाता नसीम अहमद थे, जो उत्तराखंड की बात बताए, कैसे लोग उत्साह हैं, चिलचिलाती हुई धूप है, इसके बावजूद लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और मतदान दे रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये मतदान जारी है। हम आपके सामने लेकर आए हैं दोपहर 3 बजे तक का अपडेट उत्तराखंड का, जहां 45.62% मतदान हो चुके हैं। अगर हम नैनीताल की बात करें तो वहां 49.94% मतदान हुए हैं और वहीं हरिद्वार की तरफ घूमे तो 49.62% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में दोपहर 3 बजे तक 45.62% मतदान हो चुके हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो 49 उत्तराखंड की, जहां की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है। अगर हम दोपहर 3 बजे तक का अपडेट की बात करें तो वहां पे 45.62% मतदान हो चुके हैं। और गढ़वाल की बात करें तो 44.5% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। नैनीताल की तरफ घूमे तो 49.94% वोटिंग हुई है वहां पर और हरिद्वार की तरफ चले तो 49.62% वोटिंग हुई है। वहीं अल्मोड़ा में 48.43% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक उत्तराखंड में 45.62% मतदान हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है और 3 बजे तक 45.62% मतदान हुए हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो 48.43% वहां वोटिंग हुई है और टिहरी में 43.61% वोटिंग हुई है।
दोपहर 3 बजे तक गढ़वाल में 44.5% वोटिंग हुई है। और हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है। बात करें दोपहर 3 बजे तक तो 45.62% वहां मतदान हुए हैं। नैनीताल और हरिद्वार में दोनों में 49% वोटिंग हुई है लगभग। अल्मोड़ा में 38.43% वोटिंग हुई है। और दोपहर 3 बजे तक गढ़वाल में 44.5% वोटिंग हुई है। इसी लोकतंत्र के महापर्व के सिलसिले में मुकेश मंडल हमारे साथ रुद्रपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी शालिनी जी, बताएं। मुकेश, आज लोकतंत्र का महापर्व है, लोग इसमें कैसे हिस्सा ले रहे हैं? क्या लोगों में वो उत्साह दिख रहा है आपको? जी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व में लोगों में एक बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग बहुत जोर शोर से सुबह से ही मतदान के लिए लगे हुए थे, और जहां तक देखा जाए एक मौसम की मार भी पड़ी इसमें। दोपहर का प्रतिशत मतदान लोगों में अचानक से कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी जो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, और संभावना है कि शाम को 4 बजे के बाद से फिर से मतदान की जो लोगों में फिर से भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। और सुबह से ही एक लोगों में लंबी लाइन देखने को मिली है। जी शालिनी जी, तो यहाँ पे प्रशासन कैसा व्यवस्था रखा है लोगों के लिए? क्या प्रशासन अपनी व्यवस्था रखने में पूर्ण रूप से? जी, कहीं ना कहीं प्रशासन का व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहा है। चारों तरफ एक सुरक्षा के लिए जो प्रशासन ने कमर कस लिया था, और जो कहीं कहीं देखा गया कि एक जगह ईवीएम खराब हुआ उसको भी दुरुस्त कर दिया गया था, और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और अपना पूरा मुस्तैदी से कार्य कर रहा था जी। और देखा जाए तो जैसे दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था, जो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, तो पूरी तरीके से प्रशासन इसमें एक अपना मुस्तैदी से लगा हुआ। जी जी मुकेश, युवाओं और महिलाओं का क्या इसमें रोल है? क्या वो लोग भी उतने ही उत्साहित दिख रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, और कुछ युवा जो कि पहली बार मतदान करने के लिए जा रहे थे उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। और जैसे कि हमने बातचीत किया युवाओं से, महिलाओं से, तो उनका कहना था कि एक जो मूल मुद्दा उनका स्वास्थ्य और शिक्षा, एक युवाओं का मूल मुद्दा होता है शिक्षा, उसके बारे में भी सोचते हुए मतदान करेंगे। और कहीं ना कहीं युवाओं का और महिलाओं का भी बहुत ही ज्यादा एक उत्साह देखने को मिला। मुकेश, सरकार ने कई जागरूक शत प्रतिशत मतदान के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम करवाए थे, क्या आपको इसका फायदा दिखा? जी, देखा जाए तो एक महिलाओं में, और जो सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया था उसमें महिलाओं में उसकी वजह से एक उत्साह अलग ही देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने की संभावना है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश धन्यवाद। हम आपको उत्तराखंड की बात बता रहे हैं, जहां के 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है। अगर हम बात दोपहर 3 बजे तक की करें तो 45.62% वहां मतदान हो चुके हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो 48.43% वहां वोटिंग हुई है। वहीं टिहरी में 43.61% वोटिंग हुई है। गढ़वाल की बात करें तो 44.5% वोटिंग वहां पर हुई है।